क्या बंदा मरने से बच गया और बकवास कर रहे हैं। वैसे भी मोटा खर्चा हो गया हुआ है बाइक में भाई। इसका रेडिएटर जो है वो भी टेढ़ा हो गया हुआ है और इसका इंडिकेटर भी टूट गया हुआ है। इसकी लाइट भी जो है वो टूट गई है, नंबर प्लेट भी टूट गई है। माउंट भी टूट गया हुआ है, मतलब मेरा ना सिर बजा सीधा पर। यहाँ पे देख रहे हो आप, खून देखो यहाँ पे हल्का हल्का। अरे यार छोटे बच्चों को दे देना भाई। सो हे गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। पर भाई लोग अपने साथ यार, आपको पता ही है जो लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, भाई यार बहुत ही गंदा क्रैश हो गया था मेरा। भाई ये सीन है संडे का, ये है शाम के 5 बजे की बात। भाई एक्चुअल सीन क्या हुआ मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, भाई वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो भाई सीन ये होता है यार, संडे का दिन था। तो भाई सीन ये हुआ कि यार हाटकोटी के पास ना, मतलब मैं नॉर्मल स्पीड में था, मतलब 50-60 था, नॉर्मल चला हुआ था मैं ना। तो भाई आगे ना एक गाड़ी वाला आया, तो वो गाड़ी मोड़ रहा था, ठीक है। तो मैं अपनी साइड था, लेफ्ट साइड को था प्रॉपर ना। तो भाई वो बंदा गाड़ी मोड़ रहा था, तो लेफ्ट साइड से जगह थी, मैं लेफ्ट साइड से निकालने लगा। उस बंदे ने ना लेफ्ट साइड को गाड़ी ला ली, मैं राइट साइड से निकलने लगा। उसने ना गाड़ी बैक कर दी और सीधा भाई हिट हुआ और मैं गाड़ी के ऊपर उड़ के मतलब पीछे को चला गया। और भाई उसके बाद ना मेरे को मतलब कुछ पता ही नहीं है भाई। उसके बाद मैं ना बेहोश हो गया था, मतलब मेरे को पता नहीं लगा, मतलब आधे घंटे तक मैं बेहोश था, मेरे को कुछ भी पता नहीं था। और भाई मेरे को जब होश आया, तो वो बंदा ना मेरे को सीधा कॉलर से पकड़ता, बोलो भाई तेरी गलती है, तू स्पीड में था, तूने मेरी गाड़ी ठोक दी। और भाई सीन पता क्या है, देखो जब ऑन द स्पॉट जब दो गाड़ियाँ बजती है, तो उसके बाद ना ऑन द स्पॉट जब तक फोटोग्राफ्स नहीं निकले, जब तक पुलिस वाले नहीं आए, वहाँ से आप अपनी व्हीकल नहीं हटा सकते हो। बंदे ने वहाँ से अपनी गाड़ी हटा दी थी, बंदे ने वहाँ से अपनी गाड़ी मतलब साइड में लगा ली और मेरा बाइक वहीं पर नीचे लंबा पड़ा हुआ। फिर मेरे फ्रेंड्स वगैरह आए, उन्होंने बाइक उठाया, पानी वगैरह पिलाया। और भाई वो बंदा पता क्या बोलता कि मतलब कि तेरे को तो मैंने काफ़ी टाइम से मतलब तेरे को मैं ढूंढ रहा था, तेरे को मैंने मारना था, वो सो तुम स्पीड में चलते हो, रैश ड्राइविंग करते हो, वो सो। भाई गलती ना बाइक वाले की ही निकालते हैं। फिर वहाँ पे क्या हुआ, पुलिस वगैरह आ गई हुई थी। फिर यार पुलिस वगैरह बोलने लगी कि नहीं मतलब कि आपकी भी गलती है, आप बीच में गाड़ी मोड़ रहे थे, वो सो। पुलिस वालों ने कोऑपरेट करा। भाई यार पता क्या सीन है ना, हम बाइकर्स को ही सब गलत बोलते हैं भाई, ये मेरे को समझ नहीं आता भाई। मेन हाईवे में बीच रोड में गाड़ी कौन मोड़ता है, आप खुद बताओ ना। वहाँ पर कोई टर्न पॉइंट है, फालतू ही मतलब वहाँ पे बंदा गाड़ी मोड़ रहा था और बंदा बाद में कॉलर वगैरह पकड़ता, वो सो। भाई मेरी इतनी हालत नहीं थी कि मैं उस बंदे को कुछ बोल पाऊँ। और जब मेरे को होश आया, मतलब जब मेरे को पानी वगैरह पिलाया, जब मेरे को थोड़ी होश आई कि मैं हुआ क्या ये, तो भाई उस टाइम पे ये सीन हुआ कि वो मैंने उस बंदे को बोला कि भाई आपकी भी गलती है, वो सो आप बीच में कहाँ गाड़ी मोड़ रहे थे, वो सो। पर भाई वो बंदा ना सुनने मतलब सुनने को ही तैयार नहीं था। उसके साथ आंटी वगैरह भी थे 2-3, मतलब ज़्यादा मैंने भी कुछ नहीं बोला। फिर वहाँ पे बंदे की गाड़ी में डेंट पड़ गया हुआ था और मेरे ना ये देखो भाई यहाँ पे लगी है, अब तो थोड़ा ठीक है। ये देखो यहाँ पे ना कट लगा हुआ है और अंदर ये देखो अंदर ये पूरा मतलब कट लग गया हुआ है यहाँ पे भी। यहाँ से ना खून ही खून निकल रहा था। और मेरी जो दोनों टांगे है भाई, ये भी डैमेज होगी हुई है। लेफ्ट वाली जो टांग है उसमें भी अभी प्लस्तर होना है, मतलब अभी प्लस्तर वगैरह तो कराया नहीं है, मैं घर आ गया हुआ था, अभी प्लस्तर वगैरह कराना है। और मेरा जो शोल्डर है ये भी भाई डैमेज हो गया हुआ था, क्योंकि ये सीधा ना मतलब परे जाके गाड़ी में हिट हुआ मैं, और गाड़ी के ऊपर से उड़ के मैं पिछली साइड को चला गया हुआ था। और भाई मतलब बहुत ही गंदा एक्सीडेंट हुआ, चेस्ट में भी लगी हुई है, मुंह में भी लगी थी, और दोनों टांगे मतलब डैमेज है भाई। बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ भाई, मैं सोचा नहीं था कि अभी कि ऐसा भी मेरे साथ कभी होगा भाई। मेरे को पता है मेरी अंदर स्किल्स कैसी है भाई, पूरा हिमाचल घूम गया हुआ हूँ, मेरे को पता है भाई बाइक राइडिंग क्या होती है और कैसे बाइक चलानी है, कहाँ पर क्या करना है, मेरे को सब पता है भाई। जो लोग फालतू बोल रहे हैं ना कि यार नहीं तू स्पीड में होता है, तेरी गलती होगी, वो सो, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। और भाई सीन पता क्या है, वहाँ पे ना यार कैमरे भी नहीं लगे हुए थे। कैमरे होते ना मैं आपको पूरी फुटेज दिखाता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उस टाइम मैं ना व्लॉगिंग भी नहीं कर रहा था, मतलब फ़ोन माउंट भी नहीं था मैंने करा हुआ। और भाई जो मेरा हेलमेट है उसका जो चिन माउंट वगैरह था वो सब कुछ टूट गया हुआ है, मेरा फ़ोन भी टूट गया हुआ है जिससे मैं अभी व्लॉगिंग कर रहा हूँ। पूरा मतलब इसके ना स्क्रीन वगैरह टूट गई हुई है। बाकी मेरे पास कोई दूसरा फ़ोन भी नहीं है, मैं आपको फ़ोन दिखा देता कि फ़ोन की क्या हालत है भाई। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है भाई, मेरे को बेड रेस्ट के लिए बुला हुआ है, 2 महीने तक मैं बेड रेस्ट पे हूँ। मतलब बहुत गंदा सीन हो गया गाइस, कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा। और यार हमारी साइड ना मतलब आप लोग ये पता नहीं, मेरे को नहीं पता आप लोग मानते होंगे नहीं मानते होंगे, हमारी साइड देवी देवताओं पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, जादू टोना नज़रे वगैरह लगाते हैं, आपको खुद पता होगा। तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है, पहले दिन मेरा क्रैश हुआ खड़ा पत्थर में और दूसरे दिन मेरा क्रैश हो गया हाटकुट्टी में, तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है। ये तो यार नज़र ही है, बाकी कुछ नहीं। यार पंडित वगैरह से भी पूछा, बोले नज़र है बाकी कुछ नहीं है, घर का ही है कोई। अब यार मेरे को समझ नहीं आता भाई किसका बुरा करा है, कि ये क्या हो रहा है भाई, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। बाकी आपको मैं क्लिप्स अटैच
एडवाइस कर देता हूँ, वो क्लिप्स देख लेना। और बाइक में भी बहुत ज़्यादा नुकसान है, रेडिएटर उसका फट गया हुआ है, फेयरिंग उसकी टूट गई हुई है और उसका इंडिकेटर टूट गया हुआ है। और जो RC में आपको पता ही होगा, जो मतलब आगे लाइट वगैरह असेंबल होती है, फेयरिंग असेंबल होती है, वो सारी चीज़ें आगे से टूट गई हुई है, फुटरेस्ट भी टूट गया हुआ है, सीट भी पिछली खुल गई हुई थी। भाई बहुत गंदा क्रैश हुआ यार, बाइक ना सीधा गाड़ी में जाके हिट हुई और मैं सीधा पिछली साइड को गिर गया यार। भाई बंदा पता क्या बोलता बाद में, मतलब सीधा कॉलर पकड़ने लग गया बंदा यार, बोले तेरे को मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रहा हूँ, तेरे को मारना था वो। सो भाई मेरे को समझ नहीं आता क्यों जलन कर रहे हो भाई, क्या गलती क्या है भाई। भाई सोलन में मैं इतना मतलब कि राइड वगैरह करता हूँ, आज तक वहाँ पे एक्सीडेंट नहीं हुआ, घर पे आके ही भाई सब कुछ होता है। मेरे को समझ नहीं आ रहा यार, लोग सोचते कि भाई नई नज़रें वगैरह नहीं है, तू राइड गलत करता है, तू बहुत ज़्यादा रैश चलता है। भाई मेरे को पता है मैं कैसा चलता हूँ, ठीक है। और ना राइडर्स को ही गलत बोलते कि भाई नहीं ये बंदा ही गलत है, मतलब बाइकर्स को ही गलत बोलते कि नहीं भाई बाइक वाले की ही गलती होती है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, बाइक वालों की गलती नहीं होती है यार, ठीक है। गाड़ी वाले भी गलत हो सकते हैं भाई, बाइक वाला ही गलत नहीं हो सकता यार। बाकी मैं क्लिप्स वगैरह अटैच कर देता हूँ भाई, ये आप देख लो भाई कि किसकी गलती है, आपको खुद पता लग जाएगा कि बंदे ने गाड़ी कहाँ साइड में लगा ली थी। और वहाँ पे पुलिस भी नहीं आई और बंदे ने अपनी गाड़ी साइड में लगा दी। गाड़ी साइड में लगाने का क्या मतलब था भाई, ऑन द स्पॉट जब दो गाड़ियों के क्रैश होते हैं ना, तो आपका मतलब ये बनता है कि आप जब तक फोटोग्राफ्स नहीं निकलते, जब तक पुलिस वाले नहीं आते, आपकी गाड़ी वहाँ से हिलनी नहीं चाहिए। और बंदे ने ना वहाँ से गाड़ी हटा दी थी यार। क्या बंदा मरने से बच गया, अरे बकवास कर रहे हैं यार। सर ऑफिशियल राइडर हूँ मैं सर, राइड वगैरह और भी करी है मैंने, ये क्या बात कर रहे हैं सर, एक्सीडेंट हो जाता है रोड पे, ऑब्वियस सी बात है सर, वही बोल रहा हूँ सर मैं, फालतू की बात कर रहे हैं सर वो। पता क्या बीच है, नेक्स्ट पे गाड़ी है, चार पाँच गाड़ी फालतू की बकवास कर रहे हैं, एक्सीडेंट सर हो जाते रोड पे, ऑब्वियस सी बात है, मान रहे हैं सर, गलत क्या है उसमें, वही बोल रहा हूँ सर मैं, वही बोल रहा हूँ सर मैं, मेरी बाइक गिरी, मेरे को पता सर मेरी बाइक गिरी, मैं कुछ बोल रहा हूँ सर, नुकसान मेरा ज्यादा हो, मैं कुछ बोला सर, ऑब्वियस सी बात है सर, वही बात सर मैं मान गया सर, वो भी आप फालतू बकवास कर रहे हैं, क्यों करूँ बंद क्यों करूँ भाई, मैं कौन सा गलत थोड़ी ना बोल रहा हूँ, अरे अरे बकवास कर रहे फालतू की, ऐसा वैसा वो सो, हो गया हो गया, क्या बात है यार, एक्सीडेंट ही छोटी मोटी बात है भाई, एक्सीडेंट होते हैं रहते, क्या हो गया, रुक जा कोई बात नहीं, फ्रूटने दे फोन, नुकसान मेरी बाइक में ज्यादा है वैसे, मैं कुछ बोल रहा हूँ नहीं नहीं आंटी जी, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, नहीं आंटी जी ऐसे नहीं करते हम राइड, आंटी जी चलानी आती है आंटी तभी चलाते हम, ऐसी बात नहीं है, नहीं वही बात है, वही बात आंटी जी, हाँ जी वही, नहीं सही बोल रहे हो आप, नहीं आंटी सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो आप आंटी जी, सही बोल रहे हो, नहीं नहीं आंटी जी बिल्कुल 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 सही, नहीं सही बोल रहे आंटी, मेरी गलती थोड़ी ना इसमें, हो जाता है एक्सीडेंट, क्या कर सकते हैं, कोई नहीं कोई सीन नहीं, कोई सीन नहीं है, खून आ रहा होगा, खुद देखो ना आप, गलत गलती किसकी आंटी जी, खुद देखो आप, रॉन्ग साइड कौन है, खुद देखो आप सर, आई नो सर, हाँ जी आंटी जी, हाँ बिल्कुल है आंटी जी, बिल्कुल है आंटी जी, रुक 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 जा, हाँ जी आंटी जी, हाँ जी नहीं थोड़ी लगे, हाँ जी आंटी जी, हाँ जी आंटी जी, हाँ जी क्या स्पीड होती है आंटी जी, आवाज तो सुनो ना बेटा, हाँ जी कोई बात नहीं, आप सही बोल रहे हैं आंटी जी, आज सही बोल रहे हैं, हाँ जी हाँ जी, आंटी जी बात बता क्या, आंटी जी नहीं आंटी जी मैं मान गया, आंटी जी मैं मान गया आपकी बात, आंटी जी आई नो आंटी जी, आई नो आंटी जी, आई नो आंटी जी, आप सही बोल रहे हो, रोज सुनती हूं बेटा मैं आपको, हां जी कैसे रोज मैं आंटी, मेरी तो साउंड ही नहीं आंटी जी, मैं साउंड नहीं ना, एक एक बाइक नहीं आंटी रोड में ना, बहुत बाइक से चल, बहुत बाइक है, पुलिस वाले ने बता दिया करो जो बाइक वाले, अभी हम मेन रोड से यार हमारे मुंह के सामने ऐसे उड़ रहे भैया इतनी चिट्ठी आवाज में, और ये तो है, ये तो देखते ही नहीं, नहीं नहीं देखेंगे अपने आप जब नीचे छुप पड़ेगी ना, आज में देखेंगे मां-बाप तब तक, सर मेन आप ये देखो ना बजी कहां है सर, बजी कहाँ है सर वो देखो ना, रुक जाए नहीं यार भाई मेरी गलती क्या है, कागज मेरे पास सारे है, लाना फिर क्या वो जेब में है, बोलो क्या सर, यार आप ये बना लेना पहले की बात कर लेनी सर, तो गाइस अभी गंदा ही एक्सीडेंट हो गया मेरा यार, भाई गंदा ही सीन हुआ यार, बंदा ना एकदम से गाड़ी यहाँ पे मोड़ रहा था, मतलब मैंने ब्रेक मारी, मैं स्किड हुई बाइक और सीधा गाड़ी में बच गई और मेरे घुटने वगैरह में लगी है, छोटे भाई है मेरे यहाँ पे, अरे भैया आपने खुद देखा यार क्या हुआ यार, क्या बोलूँ मैं, अभी गलती सीन हो गया, एक्सीडेंट हो गया था, यहाँ देखो खून आ रहा हल्का हल्का भाई, मतलब एकदम से यार गाड़ी आगे आगे, मैंने ब्रेक भी मारी बट भाई रुकी नहीं भाई, बट भाई चलो क्या करें यार, होता रहता है एक्सीडेंट, तो कोई बात नहीं भाई, इतना तो चलता है नॉर्मल है, ये कि भाई जिंदगी बच गई कोई बात नहीं यार, चलता है इतना नॉर्मल है, बाकी अभी बाइक का दिखाता हूँ मैं, वैसे भी बाइक में यार फेयरिंग टूट गई हुई है, ये देखो यहाँ पे भाई, ये आज ही पेंट करा था और ये भी खत्म, और भाई ये देखो यहाँ पे ये भी खत्म है,
और इसमें ना यार ये इंडिकेटर भी टूट गया हुआ है और ये अंदर से फेयरिंग टूट गई हुई है, यहाँ से टूट गई हुई है फेयरिंग। और इसका ना मतलब हैंडल टेढ़ा हो गया इसका पूरा ही हैंडल का, तो फुट रेस्ट है ये भी टूट गया हुआ है। और तो नहीं हुआ कुछ इसमें, क्या हुआ और क्या हुआ हुआ और क्या है दिखाओ। ओ भाई ये भी टूट गया हुआ है और यहाँ फेयरिंग फेयरिंग टूट गई है, फुट रेस्ट टूट गई है। ओ भाई यहाँ पे ये भी खुल गई हुई सीट है, ये क्या सीन है, ये क्या सीन है, ये लगेगी नहीं अब भाई गाड़ी में। तो कैसे गाड़ी में इतनी लगी हुई है, और भाई मेरा फ़ोन पूरा टूट गया हुआ है यार। पर चलो कोई नहीं यार, ज़िंदगी रहनी चाहिए भाई, ये सब चीज़ें तो आती रहती है यार। तो गाइस मेरे दोनों घुटनों में लगी हुई है भाई, और यहाँ पे हल्की सी लगी है इधर को, और ये देखो यहाँ पे लगी है, ये ना पूरा होठ अंदर तक कट गया हुआ है, और शोल्डर में लगी है, और इस वाले हाथ में लगी है भाई। बहुत गंदा सीन हुआ है। वैसे भी मोटा खर्चा हो गया हुआ है बाइक में भाई, इसका रेडिएटर जो है वो भी टेढ़ा हो गया हुआ है, और इसका इंडिकेटर भी टूट गया हुआ है, और यहाँ से भाई यहाँ से भी ये मतलब कि टूट गया हुआ था, ये भी अभी जोड़ा है फिलहाल को जुगाड़ करके। और इसका भाई ये देखो ये भी जो टूट गया हुआ है फुट रेस्ट, पिछला फुट रेस्ट मैंने आगे लगाया हुआ था, पिछला तो पहले टूट गया हुआ था। और इसकी लाइट भी जो है वो टूट गई हुई है, नंबर प्लेट भी टूट गई हुई है, और इधर वाली फेयरिंग भी, और भाई यहाँ पे शीशा है ना इसमें भी क्रैक्स आ गए हुए हैं, और मेरा फ़ोन जो है वो भी टूट गया हुआ है। और ये देखो भाई फेयरिंग इधर से ये भी ख़त्म, और ये देखो भाई यहाँ से भी ये फेयरिंग टूट गई हुई है, हैंडल टीवी शायद ख़त्म, और इसकी ब्रेक भी मतलब पूरी नहीं लग रही, देख रहे हो कहाँ पे अप्लाई हो रही है, यहाँ पे टाइट हो रही है ब्रेक, मतलब ये भी ख़त्म है पूरा, और हैंडल भी टेढ़ा है, यहाँ से भी पेंट उखड़ गया हुआ है, और इसकी पिछली सीट जो भी उखड़ गई थी, और यहाँ पे देखो ये पेंट भी उखड़ गया हुआ है भाई। बहुत मोटा खर्चा आ गया है यार, और मेरी टांगे देखो भाई, टांगे दोनों खत्म है यार। और आज मैं फिर भी मतलब बाइक का काम कराने आया हूँ भाई, देख रहे हो हालत देखो टांगों की क्या हुई हुई है यार भाई। ये देखो यहाँ पे ये ना माउंट भी टूट गया हुआ है, मतलब मेरा ना सिर बजा सीधा पर यहाँ पे, देख रहे हो आप खून देखो यहाँ पे हल्का हल्का आपको दिख रहा होगा भाई, ये सीधा मतलब पार बजा गाड़ी में, बॉन्टाई है उससे जोड़ते इसको यार, क्योंकि भाई ये माउंट ही है जिसने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है। तो भाई इसको ही फिट करेंगे हम, नया नहीं लेंगे, जिस दिन नया हेलमेट लेंगे गोप्रो लेंगे उस दिन हम नया माउंट लेंगे, सब कुछ नया लेंगे भाई, अभी इसको ही फिलहाल से फिक्स कराते हैं। वैसे अभी थोड़ा बहुत बाइक का काम करा था, और यहाँ पर छोटे भाई आ गया, और भाई चॉकलेट दे रहे हैं देख रहे हो, अरे यार छोटे बच्चों को दे देना भाई, अरे छोटे बच्चों को दे देना, अरे दे देना, अरे यार चलो ठीक है थैंक यू ब्रो, ठीक है मिलते हैं आपसे, अपना नाम बता दो, राघव, तो थैंक यू भाई थैंक यू। तो गाइस यार आपने क्लिप्स तो देख ही ली होगी भाई, तो आपको लग ही गया होगा पता किसकी गलती है, बट फिर भी भाई मेरे को पता है कि मेरे को ही गलत बोलेंगे बंदे, क्योंकि भाई लोगों को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ भागता हूँ, स्किल्स का पता है नहीं किसी को कुछ, बट चलो भाई क्या बोल सकते हैं। बाकी यार घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो भाई यार घर वालों को लगता है कि यार मैं ही गलत हूँ, और उनको डर लग गया कि इतना गंदा एक्सीडेंट हो गया, दो एक्सीडेंट हो गए दो दिन में। तो यार घर वाले बोल रहे थे कि बाइक वगैरह बेच दे, मोटो व्लॉगिंग वगैरह छोड़ दे, भाई बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्या करूँ, बट भाई चलो अब देखते हैं यार क्या कर सकते हैं भाई, एक्सीडेंट ही हुआ बाकी क्या ही कर सकते हैं यार। बाकी अभी 2 महीने का बेड रेस्ट है, टांगे तो दोनों भाई खत्म है, चल भी नहीं पा रहा ढंग से, बाकी मैंने बाइक अपनी वहीं पे छोड़ी हुई है क्योंकि बाइक अपनी चल नहीं सकती, उसकी लाइट जो है वो टूट गया, नंबर प्लेट उसकी टूट गई हुई है, इंडिकेटर उसका टूट गया हुआ है, फ्रंट वाइजर जो है वो नीचे से टूट गया हुआ है, और उसका फुट रेस्ट टूट गया हुआ है, पिछला फुट रेस्ट टूट गया हुआ है, और जो सीट है उसका लॉक टूट गया हुआ है, और उसकी हैंडल टी खत्म है, हैंडल खत्म है, ब्रेक्स खत्म है, और भाई कोन सेट भी ख़त्म है, और मुझे नई फेयरिंग लेनी पड़ेगी, उसमें पेंट करवाना पड़ेगा, टैंकी में पेंट करवाना पड़ेगा क्योंकि पेंट जो है वो उखड़ गया हुआ है, यहाँ पे उसका सामान मिलता भी नहीं है, सोलन में मिलेगा। तो भाई पूरे 15,000 का गस्सा गाइस, पूरे 15,000 का गस्सा लग गया हुआ है भाई, क्या करूँ यार, इतना अर्न भी नहीं हो रहा यूट्यूब से कि मैं अपने भाई का काम एकदम से करा पाऊँ, बट चलो यार प्रे करो कि सब कुछ ठीक हो जाए जल्दी से, घर वालों को भी समझाना पड़ेगा कि बाइक वगैरह ना बेचो। बाकी यार मेरे शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन है, और ये साइड की जो मसल्स वगैरह है इसमें भी बहुत ज़्यादा पेन है, और इस वाली मसल में भी बहुत ज़्यादा पेन है, क्योंकि यार ये जो चीज़ है ना ये मतलब इस ये राइट वाली साइड है सीधा पर एक गाड़ी में बजी, तो भाई बहुत ज़्यादा पेन है यार, और इस गर्दन में भी पेन है क्योंकि मतलब मुँह बजा सीधा पार गाड़ी में, ऐसे मुँह बज गया था। बाकी चलो यार प्रे करो जल्दी ठीक हो जाए, कि यार लोग पता क्या बोलते हैं आराम से चला करो आराम से चला करो, भाई अगर आराम से ही चलना होता तो हम स्प्लेंडर ना खरीदते, स्पोर्ट्स बाइक हमने भाई भगाने के लिए लिया तो भगाएंगे ऑब्वियस ही बात है यार, जहाँ हमारे को रोड दिखेगी ऑब्वियस ही बात है हम भगाएंगे, अगर भगानी नहीं होती भाई हम स्प्लेंडर ले लेते। बाकी चलो क्या बोल सकते यार, एक राइडर ही समझ सकता है एक राइडर का दुख और एक राइडर की फीलिंग, बाकी चलो छोड़ो लोगों को तो कुछ समझा के फ़ायदा है भी नहीं है, समझेगा कोई है नहीं,
बाकी चलो यार प्रे करो कि जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए तुम्हारा भाई यार, अभी तो बेड रेस्ट पे भाई। बाकी जब वापसी आऊँगा ना भाई तो भाई फिर से दवाई मचानी है, फिर से सिस्टम हैंग करना है। बाकी मेरा फ़ोन टूट गया यार, इसका बहुत ज़्यादा दुख है यार कि मेरा फ़ोन टूट गया, क्योंकि यार एक ही फ़ोन है, इतना मतलब कि इतनी अच्छी फैमिली से होनी कि मैं नया फ़ोन ले पाऊँ। बाकी चलो यार जल्दी ठीक हो जाए सब कुछ, प्रे करो। बाकी क्या बोलूँ यार, बाकी आप लोग यार सपोर्ट तो बहुत अच्छा दिखा रहे हो अभी तक। बाकी अब पता नहीं यार नया फ़ोन ले पाऊँगा नहीं ले पाऊँगा, इससे तो व्लॉगिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि मैं आपको दिखा भी नहीं पा रहा हूँ कि कितना फ़ोन टूटा। बाकी मैंने फ़ोटोज़ वगैरह लिए, थंबनेल वगैरह मैं लगा दूंगा। बाकी ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। इसी तरह सपोर्ट बनाए रखो, बाकी प्रे करो अपने भाई के लिए कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए। मिलते हैं बहुत जल्द एक प्यारे से वीडियो के साथ, मतलब 2 महीने बाद ही मिलूंगा अब तो। बाकी पता नहीं अगर बीच में वीडियो बना पाया, बाकी सॉरी गाइस यार, सोचा नहीं था ऐसा होगा भाई। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं बहुत जल्द, बाय बाय, राइड सेफ यार।